इस फ्लावर को जरूर जगह दें, बहुत अच्छा लगता है। भले ही एक दें, दो दें, दो पौधे लगाएं, अगर आप उसे रिपॉटिंग कर रहे हैं तो उस रिपॉटिंग को, उस रिपॉटिंग करने के बाद 15 से 20 दिन या 2 हफ्ता कम से कम उसको छाया में रख, हर 20-25 दिन में आपको उसको खाद देना है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जितेंद्र है। दोस्तों, जैसे कि आप ये सामने दो पौधे देख रहे होंगे, ये जरवेरा के पौधे हैं और ऊपर अब अभी इनका कलर का कुछ फिक्स नहीं है कि कौन से कलर के हैं ये फूल, लेकिन आप ये देख रहे होंगे दो दोनों पौधों में डोडी आ रही है, लेकिन अभी कलर का कुछ बता नहीं सकते जब तक ये फूल खिलते नहीं हैं। तो एक्चुअली तो मैं ये 4 जरवेरा लाया था, तो एक में था रेड कलर का फूल था और दो ये हैं, तो इनको मैं लगा रहा था। तो वैसे जरवेरा के बारे में अगर थोड़ा सा मैं बताऊं, ये एक्चुअली कमर्शियल फार्मिंग बहुत होती है इसकी, क्योंकि ये बुकेज़ में और जो फ्लावर बुकेज़ होते हैं उसमें बहुत कमर्शियली यूज़ होता है। अच्छा फूल लगता है, बहुत अच्छा है। अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे, जिनको आइडिया है, जिन्होंने देखा है जरवेरा के फूल, उसको बहुत वो अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन जो नहीं जानते, क्योंकि नाम थोड़ा सा अजीब है प्रोनाउंस करने में जरवेरा, तो आप उसको गूगल पर सर्च कर सकते हैं। तो फूल बहुत अलग अलग कलर्स के आते हैं, मल्टी कलर्स होते हैं, वाइट, पिंक, ऑरेंज, रेड, येलो, और भी बहुत कलर के फ्लावर साथ के कलर आते हैं। लेकिन अभी ये दो है मेरे पास, देखो जब खिलेंगे तो कौन से कलर के खिलते हैं ये। तो आज मैं इनको जो है अपने इस ज़मीन पे लगाने की वो था कोशिश कर रहा था, कोशिश क्या, लगाने के लिए लाया था एक्चुअली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर उसके बारे में, क्योंकि मैं चाहता तो इन्हें गमले में भी लगा सकता था, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ जितनी भी मेरी ये जो, अगर आप ये देखेंगे, अगर आप ये जो सामने जो आपको ये जाली दिखाई दे रही होगी, ये वाली ये जो जाली है, इसके साथ साथ मैं कोशिश कर रहा हूँ कि फूलों के पौधे लगा दूँ सारे किनारे पे, तो अच्छे लगेंगे। तो ये इसीलिए मैं जो है ज़मीन पे लगा रहा था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले इसको लगाते हैं, इसको ऐसे जो है थोड़ा फाड़ लेंगे और फिर इजीली जो है ये ऐसे फट जाता है। और देखिए कि भाई मिट्टी आपको निकालने की ज़रूरत है नहीं है, वो आप देखिए। अगर जैसे ये मिट्टी सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, तो इस मिट्टी, ये चिकनी मिट्टी नहीं है, तो आपको इस मिट्टी को निकालने की ज़रूरत नहीं है। बस थोड़ा सा रूट बॉल इसका जो है हल्के हाथ से ऐसे ढीला कर दीजिए, ये देखिए ऐसे, ताकि जो जड़ें हैं उनको बाहर निकलने का मौका मिले। देखिए ऐसे, बस मिट्टी निकालने की ज़रूरत नहीं है। और जो है आप ऐसे लगा दीजिए, अच्छा रूट बॉल है, बहुत अच्छी जड़ें आ रही हैं, और इसके साथ भी वैसे ही रूट बॉल जो है, इसकी जो ये मिट्टी है थोड़ी सी हल्के हाथ से, बहुत नरम मिट्टी है, आपको लग रहा दिखाई दे रहा होगा कितनी हल्के हाथ से ये जो है हो रही है। और मैं ये जो फूल है इसका जो इनका जो मुंह है वो बाहर की तरफ कर रहा हूँ, ताकि देखने में अच्छा लगे। ये देखिए लगा दिए मैंने, और जरवेरा के जो फूल होते हैं ये एक्चुअली, जैसे कि मैं आपको बता रहा था, बुकेज में और कई तो जो है कमर्शियल फार्मिंग भी करते हैं इस फूल की। तो आप भी अपने गार्डन में, टेरेस गार्डन में, या अगर बालकनी है, टेरेस गार्डन नहीं है, बालकनी में आपने अगर अपने पेड़ पौधे लगा रखे हैं, वहाँ पर इस फ्लावर को ज़रूर जगह दें, बहुत अच्छा लगता है। भले ही एक दें, दो दें, दो पौधे लगाएं, एक पौधा लगाएं ज़रूर, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है ये, क्योंकि
इसकी सुंदरता जो है वो बहुत है फूल की, जब फूल खिलेगा उसके बाद जो है बहुत सुंदर लगता है। तो कुछ नहीं करना है आपको, अगर आप जो है ग्रो बैग में लगा रहे हैं या सीमेंटेड पॉट में लगा रहे हैं या प्लास्टिक पॉट में लगा रहे हैं या मिट्टी में लगा रहे हैं, कुछ नहीं करना है। सिर्फ अभी मैंने इसमें खाद दिया नहीं है, इसमें जो है अभी मैं 2-3 दिन नहीं डालूंगा, लेकिन क्योंकि मैंने मिट्टी में लगाया। लेकिन वहीं अगर आप जो है गमले में लगा रहे हैं तो उसका पॉटिंग मिक्स तैयार करने के लिए क्या कर सकते हैं, रेशो जो है वर्मी कंपोस्ट है या गाय का गोबर है वो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, 50-50 कर लीजिए। ज़्यादा गर्मी है तो 60-70% आप जो है मिट्टी ले सकते हैं और जो है और 30% आप जो है गाय का गोबर ले सकते हैं, और अगर वर्मी कंपोस्ट है तो आप अपनी रेशो अपने हिसाब से कर लीजिए। मिट्टी के ऊपर आप जो है 4-5 मुट्ठी मिला लीजिए वर्मी कंपोस्ट और बस किसी की चीज़ की ज़रूरत नहीं है, डाल दीजिए बस। गमले में लगाने में सिर्फ इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि हमें हर 20-25 दिन में खाद देना पड़ता है, क्योंकि क्या होता है कि गमले में जब पौधा लगा हुआ होता है तो उसका क्या होता है कि भाई पानी के थ्रू नीचे जो ड्रेनेज होल है उससे सारा न्यूट्रिएंट ड्रेन आउट हो जाता है, निकल जाता है पानी नीचे जो छेद होता है गमले से, तो इसीलिए हमें जो है बार बार उसको जो है खाद डालने की ज़रूरत पड़ती है ताकि पेड़ की ग्रोथ पौधे की ग्रोथ अच्छी हो। तो बस इन चीज़ों का ध्यान रखिए, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई ज़्यादा वो इतनी बड़ी कोई साइंस नहीं है कि भाई हमें अपने पौधे को सिर्फ अगर गमले में लगा रहे हैं तो बस इतना ध्यान रखिए कि वो पौधा धूप का है छांव का है, प्लस अगर आप उसे रिपॉटिंग कर रहे हैं तो उस रिपॉटिंग करने के बाद 15-20 दिन या 2 हफ्ता कम से कम उसको छाया में रखें, और अगर छाया में रखेंगे तो अच्छी ग्रोथ चलेगी। तीसरी चीज़ हर 20-25 दिन में आपको उसको खाद देना है, बस इन चीज़ों का ध्यान रखिए, और कोई इतना बड़ा वो नहीं है। आसान से आप अच्छी इजी तरीके से अपनी इजी गार्डनिंग अपने टेरेस पे बालकनी में या अगर मिट्टी में है तो वहाँ कर सकते हैं, बस इतनी चीज़ों का ध्यान रखिए, बहुत अच्छी गार्डनिंग आप कर पाएंगे। तो एक छोटा सा अपडेट था, अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।